लेट्स डिस्कस डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड वेरिएबल्स। तो कौन से प्रिंसिपल्स पे पॉपुलेशन चेंज होता है? तो ये सिक्स प्रिंसिपल्स है। इसके फर्स्ट तो एज क्या है फीमेल की मैरिज के टाइम पे, सेकंड टोटल मैरिज रेट कितने कितनी मैरिजेस हो रही है, थर्ड फर्टिलिटी रेट क्या है, फोर्थ मॉर्टेलिटी रेट क्या है, देन फिफ्थ फीमेल का लिटरेसी रेट क्या है, लिटरेट कितनी है फीमेल, एंड सिक्स्थ सोशल मोबिलिटी क्या है। सोशल मोबिलिटी मतलब क्या, एग्जाम्पल अपर क्लास में कोई पर्सन है तो वो मिडिल क्लास में शिफ्ट हो गया एंड मिडिल क्लास वाला जो पर्सन है वो लोअर क्लास में शिफ्ट हो गया इकोनॉमिकली क्राइसिस या किसी भी चीज़ की वजह से। सो ये डिटरमिन करता है फर्टिलिटी रेट को सोशल मोबिलिटी। और मेन जो फैक्टर है ना इन सारे छः फैक्टर्स में, तो वो है फीमेल लिटरेसी रेट, जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है पॉपुलेशन चेंज का। देन ग्रोथ रेट, एंड इसको एनुअल ग्रोथ रेट में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ रेट किसी टाइम के रिलेशन में होता है। सो एनुअल ग्रोथ रेट क्या होता है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट अपॉन 10, इस तरीके से निकालते हैं। तो स्लो ग्रोइंग पॉपुलेशन अगर हम कब बोलेंगे, जब एनुअल ग्रोथ रेट लेस देन 0.5% होगा, मॉडरेटली ग्रोइंग होगा अगर 0.5 से 1% एनुअल ग्रोथ रेट है, रैपिडली ग्रोइंग होगा अगर AGR 1 to 1.5% है, वेरी रैपिडली ग्रोइंग होगा अगर AGR 1.5 to 2% है, एंड एक्सप्लोसिवली ग्रोइंग होगा अगर ग्रेटर देन 2% AGR है। तो इंडिया में कौन सा स्टेटस है, 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन वाला है, दैट इज 1 to 1.5% के रेंज में आता है। नाउ मैल्थसियन ग्रोथ मॉडल इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर AGR 1% होता है तो डबल हो जाता है 70 ईयर्स में, अगर AGR 0.5% रहता है तो ये डबल होता है 140 ईयर्स में पॉपुलेशन, अगर AGR 2% है तो पॉपुलेशन डबल होगा 35 ईयर्स में, एंड AGR अगर 1.5% है तो ये नियरली 50 ईयर्स में पॉपुलेशन डबल हो जाएगा। सो इसका हम एक पैटर्न देख सकते हैं। डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है, तो डिपेंडेंसी रेशियो डिपेंडेंट अपॉन इंडिपेंडेंट होता है। सो डिपेंडेंट कौन से पर्सन्स होते हैं, जो लेस देन 14 ईयर्स के होते हैं एंड ग्रेटर देन 65 ईयर्स के होते हैं, अपॉन जो नॉन डिपेंडेंट होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं वो 15 to 64 ईयर्स के पर्सन्स होते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, इंटू 100 कर दिया हमने। सो ये परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, इसलिए इंटू 100 किया। इंडिया में 50.2% था इसका 2019 डेटा के अकॉर्डिंग। अब ग्लोबल डिपेंडेंसी रेशियो हाई है अफ्रीका में, एंड एज डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है, ये डिटरमिनेंट होता है इसका यंग पीपल्स के कारण डिपेंडेंट, यंग पीपल के कारण ये रेशियो बनता है। और बर्थ रेट पे हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली, और फर्टिलिटी इंडेक्सेस पे डिपेंड करता है एज डिपेंडेंट रेशियो। नाउ एज पिरामिड है, एज पिरामिड क्या होता है, इसमें एज को वर्टिकली एक्सप्रेस करते हैं ऑलवेज वाई एक्सिस पे, और पॉपुलेशन जो है वो बेस्ड रहता है एरिया पे, और वो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये पॉपुलेशन इन मिलियंस है, और यहाँ पे मेल है फीमेल है, देन फीमेल हमेशा राइट साइड में रिप्रेजेंट करता है, ये भी है इसका रूल है। इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं क्योंकि ये एज रनिंग नंबर में होता है, इसलिए ये हिस्टोग्राम टाइप का वो होता है चार्ट और डायग्राम। सो लेंथ ऑफ एज पिरामिड जो है ना वो डिफाइन करता है लाइफ लॉन्गिटिविटी को, कितनी लाइफ लॉन्ग लोग जी रहे हैं, और इलॉन्गेटेड एज पिरामिड का मतलब होता है कि हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उस एरिया की। नाउ टाइप्स ऑफ एज पिरामिड कौन सा होता है, एक तो जिसमें लोअर एज ग्रुप हाई नंबर्स में होगा तो वो डेवलपिंग कंट्रीज में होता है मोस्टली, इसको ब्रॉड बेस टाइप बोलते हैं, और हाई फर्टिलिटी रेट होता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इस तरीके का पिरामिड पाया जाता है। देन सेकेंड एक होता है ब्रॉड बैली टाइप, तो ब्रॉड बैली टाइप डेवलप्ड कंट्रीज़ में पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे लो फर्टिलिटी रेट होता है और लोअर एज ग्रुप के लोग यहाँ पे लेस नंबर में होते हैं। नाउ यहाँ पे आइडियल एज पिरामिड है, तो आइडियल एज पिरामिड कैसा होना चाहिए, सिलेंड्रिकल होना चाहिए, ये एक थियोरेटिकल सिचुएशन है जो एक्चुअली कभी नहीं होती है, मतलब यहाँ पे कोई लॉस नहीं होना चाहिए लाइफ का, और एक चाइल्ड को पूरी तरीके से ग्रो करना चाहिए जब तक कि वो ओल्ड एज में नहीं पहुंच जाता और फिर उसे मरना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होता है। सो ग्रेजुअली जो एज पिरामिड है ना, अर्ली ग्रोइंग इस तरीके का दिखता है परफेक्ट ट्रायंगल, और स्लो ग्रोइंग वाला जो होता है वो थोड़ा सा डेविएट होने लगता है, फिर जीरो ग्रोथ वाला और थोड़ा डेविएट होता है, और फिर नेगेटिव ग्रोथ वाला एक बीच में एक बैली टाइप का फॉर्म कर लेता है, तो इस तरीके से ये ग्रो करता है पॉपुलेशन।
नाउ डेमोग्राफिक गिफ्ट्स क्या होता है, या बोनस जिसको बोलते हैं, या डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। इंडिया में डेमोग्राफिक एज जो है वो चाइना का, इसको हम समझते हैं। तो इंडिया में ब्रॉड बेस है और चाइना में जबकि ब्रॉड बैली है, तो डिपेंडेंसी रेशियो यहाँ पे कम हुआ। सो डेमोग्राफिक गिफ्ट उसी से रिलेटेड होता है कि हायर नंबर ऑफ इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन अगर है तो वो डेमोग्राफिक गिफ्ट है, क्योंकि लेस बर्थ रेट होता है तभी डेमोग्राफिक गिफ्ट आता है। और ये पाया जाता है स्टेज 3 के ऑनवर्ड्स डेमोग्राफिक साइकिल में। नाउ डेमोग्राफिक लायबिलिटी है, तो ये क्या होता है, आफ्टर 50 ईयर्स जो है ना अपर क्लास में ये मूव कर जाएंगे। अगर हम ये वाला ही ग्राफ को देखें, ये वाला ही पिरामिड को देखें, ब्रॉड वैली वाले, तो 50 ईयर्स के बाद तो ये ऐसे हो जाएगा शिफ्ट। सो यहाँ पे ये इन्वर्टेड पिरामिड बन जाएगा ब्रॉड वैली वाला। तो यहाँ पे इसको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी ओल्ड एज पर्सन्स को, तो ये होता है फिर डेमोग्राफिक लायबिलिटी, क्योंकि वो डिपेंडेंट हो गया। नाउ नर्डी कॉर्नर कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स है इसमें। डिक्लाइन डिपेंडेंट होता है फर्टिलिटी रेट पे, तो एनुअल ग्रोथ रेट अभी 1.02% है और इंडिया में 2019 डेटा के अकॉर्डिंग। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे। तो ये था डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।